ट्रेन की चपेट में आने से दो युवकों की मौत हो गई। जीआरपी ने दोनों शवों को कब्जे में कर जिला अस्पताल के मोर्ची में रखवाया, जहां आज सुबह शवों का पोस्टमार्टम करवाकर शव परिजनों को सुपुर्द कर दिया गया। छोटा हिसार ट्रेन में दो व्यक्ति चढ़ने के लिए रॉन्ग साइड खड़े हुए, उसी दौरान मध्य लाइन से दुरंत को एक्सप्रेस आई और उससे ये ओवरटेक में मारे गए। चक्कर में नहीं नहीं वहाँ कोई नहीं था इस तरह से अभी तक कोई है सर। मृतक के साथ में जो व्यक्ति वो कह रहा है कि किन्नरों ने मारपीट की, उनसे बचने के लिए रेल से बाहर निकलना पड़ा। नहीं, मौके पे हमारा जाप्ता खड़ा हुआ था, ऐसी कोई घटना नहीं। ज्यादा जानकारी के लिए मेरे साथ सवाईमाधोपुर संवाददाता बशंग जुड़ चुके हैं। बशंग, सवाईमाधोपुर में ट्रेन की चपेट में आने से दो युवकों की मौत हो गई है, क्या कुछ पूरा मामला है और अब अपडेटेड जानकारी क्या मिल पा रही है? जी बिल्कुल, सवाईमाधोपुर रेलवे स्टेशन की एक घटना है, जहां देर रात खाटू श्याम जी जाने के लिए शहर निवासी तीन लोग रवाना हुए थे और ट्रेन में बैठने के दौरान वहां पर कुछ किन्नर आ गए। किन्नरों से उनके आपस में कहासुनी हुई, कहासुनी के बाद वो लोग नीचे उतर गए और प्लेटफॉर्म की बजाय दूसरी तरफ नीचे उतर गए। वहां से दुरंतो ट्रेन तेजी से गुजर रही थी, उनकी चपेट में आने से दो लोगों की मौके पर मौत हो गई, जबकि एक जो युवक था वो वहां पर बाल बाल बच गया। जीआरपी ने दोनों शवों को कब्जे में कर जिला अस्पताल की मोर्चरी पहुंचाया है और पोस्टमार्टम के बाद शव परिजनों को सपोर्ट कर दिया है। परिजनों का यह कहना है कि किन्नरों के साथ हुई मारपीट और लड़ाई झगड़े की वजह से ये लोग दूसरी तरफ उतरे थे, ताकि उस ट्रेन के डिब्बे में से उतर के दूसरे डिब्बे में बैठ सके। इसी दौरान ट्रेन आ गई और ट्रेन की चपेट में आने से दोनों की मौत हो गई। हालांकि जीआरपी का कहना है कि इस तरह की कोई भी घटना वहां पर नहीं हुई, ट्रेन के अंदर किन्नर नहीं थे, लेकिन परिजन जो है मृतकों के उनका साफ तौर पर कहना है कि जीआरपी द्वारा बेवजह किन्नरों को बताने की बात की जा रही है और किन्नरों की वजह से ये सारा हादसा हुआ है। जी बशंग, वही जैसा कि आपने बताया कि बताया जा रहा है कि किन्नरों ने उनके साथ मारपीट की, उसके बाद वो ट्रैक पर भागे, जिसके बाद में वो ट्रेन की चपेट में आ गई। अब ऐसे में रेलवे स्टेशन पर कोई सीसीटीवी फुटेज लगे हो, उसके आधार पर कोई जांच पुलिस द्वारा की जा रही हो? क्योंकि ये जो पूरी घटना है, ये एक दूसरी तरफ भी ट्रेन खड़ी थी, इधर भी जो हिसार कोटा एक्सप्रेस ट्रेन है वो ट्रेन खड़ी हुई थी, तो सीसीटीवी फुटेजों में सिर्फ ट्रेन के फुटेज आ रहे हैं, मारपीट का या ऐसा कोई भागने का कोई फुटेज वहां पर नहीं आ रहा, क्योंकि दोनों तरफ ट्रेनें खड़ी हुई थी। ये पूरा वाक्य है जो बीच की रेलवे लाइन का था, ताकि वहां पर जैसे ही दुरंत ट्रेन आई उसकी चपेट में दोनों आ गए। हालांकि जीआरपी इस पूरे मामले को लेकर जांच में भी जुटी हुई है। चलिए बशंग, बहुत बहुत शुक्रिया आपका तमाम जानकारी को साझा करने के लिए।